एवरीवन, लेट्स गो टू जयपुर। ये हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हमारी वेट कर रही है हमारी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस। दिल्ली से अभी हम दिल्ली जा रहे हैं एंड दिल्ली से फिर हमारी फ्लाइट है जयपुर की 9:30 बजे की, और तब तक देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाके। सी यू लेटर। और ये हम पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से हम मेट्रो स्टेशन से सीधा चले गए थे सीपी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो हम इसलिए पहले सीपी जा रहे हैं। एंड हियर वी आर इन सीपी, और सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से डीपॉल्स की तरफ। अभी हम हैं सीपी कनॉट प्लेस, तो अभी हम जा रहे हैं पहले डीपॉल्स पे, कॉफ़ी पी के, फिर उसके बाद हम जाएंगे वेंगर्स पे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, क्योंकि अभी 9:30 बजे जो है फ्लाइट है हमारी दिल्ली से, तो तब तक हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तो अभी हम सीपी में ही घूम लेते हैं तब तक आराम से, तो पहले हम चलते हैं डीपॉल्स पे। और ये अब हम जा रहे हैं जनपथ। स्मार्ट बाइक अभी तक इंटैक्ट है। चंडीगढ़ वाली तो बहुत सारी अभी जा चुकी हैं। This is LIC office. और ये हम पहुंच गए हैं जनपथ, और इनके जो भैया के जो आलू हैं तवे वाले, जो करारे वाले आलू, वो बहुत ज्यादा टेस्टी थे, ये हमने ट्राई किए थे। और डीपॉल्स की माय ऑल टाइम फेवरेट हेजलनट कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये मेरी फेवरेट है। और यहीं पास वाली शॉप पे ही हमने खाए थे यहाँ के मोमोज। और हमने खाए थे यहाँ पे गोलगप्पे भी, एंड गोलगप्पे भी बहुत ही यम्मी थे। और इसके बाद मैंने भैया से ली फ्री वाली चटनी, मट्टी चटनी लगा के। And now let's go to Wengers. And we have reached Wengers. और मेन जो शॉप है उसके साइड में छोटी सी शॉप है ये वाली, और यहाँ पे बहुत रश होता है बैठने की, आपको जगह बड़ी ही मुश्किल से मिलेगी। हम Wengers में, तो अभी हम वेंगर्स में हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया एंड माय फेवरेट वॉफल ऑर्डर किया है, और वॉफल यहाँ का बेसिक वॉफल विद बटर एंड मेपल सिरप इज द बेस्ट, जितना मतलब यहाँ से सवाल मैंने कहीं और नहीं खाया है वॉफल कहीं भी। लेकिन आने में थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे, तो अभी बहुत थक गई हूँ, मैंने सीपी में पूरा यहाँ पे घूम लिया है, जनपथ मार्केट भी गई थी मैं, वहाँ से भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली हैं, वो मैं बाद में आपको दिखा दूँगी कभी। तो अभी इसके बाद यहाँ से खाने पीने के बाद हम जाएंगे सीधा एयरपोर्ट मेट्रो में, फिर एयरपोर्ट से हमारे वहाँ से फ्लाइट। और अब हम चल पड़े हैं एयरपोर्ट के लिए मेट्रो लेने के लिए। एंड ये हम पहुंच गए हैं, और यहां से अब हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट की तरफ, और
पहुंच जाएंगे हम यहाँ से जयपुर। जयपुर आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग डे। अभी हम जा रहे हैं होटल में, उसके बाद आई विल सी यू टुमारो, तो सुबह मिलती हूँ मैं आपको। ओके, हे एवरीवन। सो अंकित अभी एग्जाम देने गए हुए हैं और मैं यहाँ पे बाहर बैठी हूँ, वैसे ही धूप में बैठी हुई थोड़ी देर। तो अभी देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ कहीं आसपास एक्सप्लोर कर रही हूँ, थोड़ा बहुत देख के आऊँ आसपास, क्योंकि वो 4 बजे आएंगे वापस, तो 4 बजे तक तो मैं यहाँ पे तो क्या ही बैठी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कहीं आसपास जा आती हूँ, फिर उसके बाद हम रात जाएंगे चौकी। जयपुर सिटी, मेन सिटी से आधा पौना घंटा लग जाता है आराम से चौकी ढाणी पहुँचते पहुँचते। तो 5 बजे खुलती है ये और 11 बजे तक खुली रहती है, तो आराम से 6-7 बजे आप आ सकते हो। और रात को ही देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है चौकी ढाणी। और ये अब मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। तो ये ऐसे गांव से का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने पुरानी पुरानी चीज़ें भी रखी हुई हैं, एंड ऑल्सो ये जगह जगह आपको मिल जाएंगे और आप डांस कर सकते हो चाहो तो। एंड ये सारी पुराना आर्किटेक्चर है, मिट्टी जैसे सा सब बनाया हुआ है। तो ये आउटर एरिया है, और इसके बाद जब आप अंदर एंटर करते हैं तब आपको अंदर से टिकट्स लेनी होती हैं। तो यहाँ पे आप एंटर कर जाते हो, एक हॉल आता है, तो यहाँ पे आप टिकट्स ले सकते हो। राजस्थानी थाली की 800 की थाली होती है, तो आप फिर टिकट्स लेके फिर आप अंदर एंटर करते हो। तो ये अंदर का एरिया है। यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें, तो जैसे ये राबड़ी था, बाजरा राबड़ी थी आई थिंक, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री ही थी साथ में। एंड बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे ये है चाय पकौड़ी है, इस तरह की चीज़ें आप पेड होती हैं। अंदर कठपुतली का खेल चल रहा होता है, डांस कर रहे होते हैं जगह जगह पे, तो आप भी चाहो तो डांस कर सकते हो, वो आपको इनवाइट भी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है रात को वहाँ पे। अब जैसे ये रबड़ी भी मिल रही है, तो ये 20 रुपीज़ की रबड़ी, तो काफ़ी रेट्स अंदर काफ़ी नॉर्मल रेट्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही यम्मी थी। तो फिर इसके बाद हमने सोचा हम डिनर कर लेते हैं, क्योंकि डिनर के लिए लाइंस बहुत लग जाती हैं, तो आपको भी टाइम पे डिनर कर लेना चाहिए। तो इसके बाद हम पानी, ये पानी भी बड़ा अच्छे तरीके से पिलाते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम हैंड वॉश करके और हम डिनर करने के लिए हम एक पंडाल में एंटर कर गए थे। 3-4 जगह पे आप डिनर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एरिया है, यहाँ पे एक साथ में सब लोगों को बिठा के यहाँ पे नीचे बिठा के खाना खिलाते हैं, पूरा राजस्थानी स्टाइल में। आप चाहो तो टेबल चेयर्स भी हैं यहाँ पे, साइड में एक पंडाल है उसमें टेबल चेयर्स होते हैं, तो वहाँ बैठ के भी खा सकते हो। तो इसके अंदर जो है, हमने जो थाली ली थी उसके अंदर राजस्थानी थाली जो होती है अनलिमिटेड होती है, ये मक्खन है। तो ये बहुत सारा सामान खिलाते हैं और बहुत अच्छे से खिलाते हैं। तो ये सब खाने के बाद और फिर हम चले गए थे होटल में वापस, और नेक्स्ट डे फिर हम जाएंगे आमेर के किले में। तो नेक्स्ट व्लॉग आएगा 1-2 दिन के बाद, तो आई विल सी यू इन माय सेकंड व्लॉग। बाय बाय।